पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के तमाम लोग उनके स्वागत के लिए होटल पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोग हाथ में तिरंगा लेकर, कई चाहने वालों ने सिर पर केसरिया पगड़ी भी धारण कर रखी है, सिख समुदाय के लोग भी शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, जहां पर होटल प्लाजा एंथनी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत होटल प्लाजा एंथनी में किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी जो है जब पेरिस एयरपोर्ट पर लैंड किया था उनका प्लेन, इसके बाद में वहां पर उनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया था। इस दौरान जो फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर पीएम मोदी का स्वागत किया था, वो तस्वीरें भी आपके सामने आई। और अब ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के होटल पहुंचने के बाद में किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोगों में पीएम मोदी के प्रति उत्साह है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर मोदी के प्रति खास तौर पर भारतीय समुदाय में इसी तरह की दीवानगी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी की तरफ से बयान भी आया है। पेरिस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि पेरिस में उतर गया हूं, इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को बढ़ावा मिलने की आशा है। आज मेरे विभिन्न कार्यक्रमों में शाम को भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी शामिल है। तो ये पीएम मोदी का फर्स्ट रिएक्शन आप कह सकते हैं फ्रांस में पेरिस पहुंचने के बाद में। अब यहां से किस तरह की और तस्वीर निकलकर सामने आती है वो भी आपके लिए वीके न्यूज पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से लेकर आता रहेगा। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।